Hi guys, welcome back to वेलकम बैक टू and यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू guys. ग्रेट हेल्थ गाइज सो is डिस्क्राइब एन एक्टर और एक्ट्रेस whom यू admire. तो यहाँ पर हमने किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस के बारे में बताना जिसको हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं एंड सब क्यूज आर हु ही और शी ये इंसान कौन है कौन से एक्टर या एक्ट्रेस है नेक्स्ट इज़ वट ही और शी लुक्स लाइक तो यहाँ पर हमने उसके लुक्स के बारे में बताना है नेक्स्ट इज़ वट काइंड मूवीज ही और शी अपीर्स इन की वो कैसी मूवीज़ करते हैं एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन वाई यू एडमायर दिस एक्टर और एक्ट्रेस और एंड में हमने रीजन बताना कि हम इस एक्टर या एक्ट्रेस को क्यों एडमायर करते हैं सो बिफोर विच सारा सैम्पल आंसर गाइस प्लीज हेट दब्सक्राइब बटन एंड डोंट फर्गेट टू शेयर बिगेन वीडियो गाइज ऑल्दो आई लाइक मनी रिनाउंड एक्टर्स वन ऑफ दम इज एक्सेप्शनल एंड वर्थ मैं तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे को बहुत सारे जो फेमस एक्टर्स है वो पसंद है बट उनमें से एक है जो एक्सेप्शनल है और यहाँ पर मैं उनके बारे में ही बात करने वाला हूँ इज अ फेमस एक्टर इन बॉलीवुड एंड ज़ नेम इज़ दिलजीत दोसांझ तो यहाँ पर हमने बताया कि वो वो बॉलीवुड में काफ़ी फेमस एक्टर भी हैं और उनका नाम क्या है दिलजीत दोसांझ इज अ डिवोटेड सिख एंड ऑलवेज़ वेज़ अ टर्बन तो यहाँ पर हमने बताया कि वो सिख कम्यूनिटी को बिलोंग करते हैं और हमेशा वो टर्बन बांधते हैं अपनी इज़ अ टॉल एंड हैंडसमस्टर तो यहाँ पर हमने बताया कि वो टॉल और हैंडसम यंगस्टर भी हैं ऑल दो ही हैज़ अ पेड इन ऑल टाइप्स ऑफ मूवीज़ कॉमेडी इज हिज फोटे तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे वो हर जॉनल में हर तरह की फिल्म में वो दिखते हैं बट जो कॉमेडी है उनकी मेन स्ट्रेंथ है फोटे का मतलब होता है स्ट्रेंथ पीपल कॉल हिम अ कॉन्मथ कॉमेडियन बिकॉज ही प्रोसेस अ यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर एंड गुड कॉमिक टाइमिंग कॉन्सेमत का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली स्किलफुल तो यहाँ पर हमने बताया कि लोग उसको दिलजीत को कॉन्सीमत कॉमेडियन बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्किलफुल कॉमेडियन भी है और वो एक बहुत ही अलग सा यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखते हैं और उनकी जो कॉमिक uh, uh, की टाइमिंग है वो भी बहुत बढ़िया है ही जनरेट्स अ गॉफ ऑफ लाफ्टर बाई प्रोड्यूसिंग रिलेटेबल एंड ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी तो यहाँ पर हमने बताया कि जो दिलजीत है वो गवाफ ऑफ लाफ्टर जनरेट करते हैं गवाफ ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है लाउड लाफ्टर की बहुत ही ज़्यादा लाउड लाफ्टर प्रोड्यूस करते हैं और जो उनकी जो कॉमेडी वगैरह थी बहुत ही रिलेटेबल लगती है और बहुत ही ऑब्जर्वेशनल होती है फर्दर मोर ही यूजली यूटिलाइज हिज़ ओन एक्सपीरियंस टू क्रिएट एंड प्रोड्यूस कॉमेडी दैट लुक्स रिलेटेबल एंड रियल तो यहाँ पर हमने बताया कि ज़्यादातर दिलजीत जो अपने एक्सपीरियंस से ही क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कॉमेडी को जो बहुत ही रियल और रिलेटेबल भी लगती है दिलजीत हैज़ दिस इट एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज एंड थिंक ऑन हिज फीट अलाउंग हिम टू प्रोड्यूस फ्रेश एंड स्पॉन्टेनियस कॉमेडी तो यहाँ पर हमने बताया कि दिलजीत में एक इन अबिलिटी इन मतलब में जो शुरू से उनमें होती है अबिलिटी तो वो शुरू से उनमें एक अबिलिटी है कि वो इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं ऑन द स्पॉट कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रेश कॉमेडी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ही एग्जिबिट्स गुड स्टेज प्रेजेंस एंड कैन कम्बाइन वेल विद द ऑडियंस विच स्पोर्ट्स सेम टू इंक्लाइन द कॉमेडी एक्सपीरियंस तो यहाँ पर हमने बताया कि वो काफ़ी अच्छी जो शोकेस करते हैं अपनी जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है प्रेजेंस होती है वो काफ़ी अच्छी है उनकी और उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस के साथ जुड़ जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि उनकी जो कॉमेडी एक्सपीरियंस को भी निखारती है और बढ़ाती है हिज कॉमिक टाइमिंग इज़ अ चाम फॉर हिम एंड ही डिपिक्स पंच लाइन्स विद एक्सिलेंट कॉमेडिक टाइमिंग एंड डिलीवरी तो यहाँ पर हमने बताया कि जो उनकी कॉमिक टाइमिंग है एक चाम की तरह उनके लिए काम करते हैं और वो काफ़ी पंच लाइन्स भी यूज़ करते हैं और जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है वो भी अच्छी और जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो भी बहुत बढ़िया है ओवरऑल दिलजीत हैज़ ऑल दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ग्रेट कॉमेडियन तो यहाँ पर हमने बताया कि दिलजीत में हर एक एट्रीब्यूट है मीनस की हर एक गुणा जो एक अच्छे कॉमेडियन में होना चाहिए आई एडमायर हिम फॉर मैनी रीज़न फर्स्टली ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट has proven his टैलेंट इन सिंगिंग एक्टिंग एंड डांसिंग तो यहाँ पर हमने बताया कि बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं दिलजीत को एडमायर करता हूँ क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और उन्होंने प्रूव किया अपने टैलेंट को सिंगिंग में भी एक्टिंग में भी और डांसिंग में भी ड्यू टू दिस रीज़न पीपल कंसिडर हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट इन बॉलीवुड कि इसी रीज़न की वजह से ज़्यादातर लोग उसको कंसिडर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वन ऑफ़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड में कि जो सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फ्लेंस करते हैं तो उनमें से एक वो आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड में सेकेंडली ही इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्परेशन फॉर मी बिकॉज डिस्पाइट अ हम्बल बिगिनिंग ही हैज़ गेन नॉर्मल सक्सेस ड्यू टू दिस रीज़न आई ऑलवेज सीक फ्लैशिज ऑफ इंस्परेशन फ्रॉम हिम तो यहाँ पर हमने बताया कि उससे मेरे को उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिलती है क्योंकि चाहे उनका जो बैकग्राउंड था बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं बट उन्होंने अपनी मेहनत मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन की कमाई और इसी रीज़न की वजह से क्या है कि मैं उसे इंस्पिरेशन लेता हूँ तो यह था हमारा सैम्पल आंसर गाइस सो आगे हम बढ़ते हैं फॉलोअप्स की तरफ एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आर एक्टर्स और एक्ट्रेस वेरी इंटरेस्टेड इन द वर्क एंड वाई तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कि जो एक्टर जो एक्ट्रेस होते हैं क्या वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपने काम में अगर होते हैं तो क्यों होते हैं एंड द आंसर इज बीइंग एन एक्टर और एक्ट्रेस इज एन अपिल टास्क तो यहाँ पर हमने बताया कि एक एक्टर या एक्ट्रेस होना एक बहुत ही अपिल टास्क मीन मुश्किल टास्क है वन इज टू एग्जिबिट हिज और हर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड वन कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन तो यहाँ पर हमने बताया कि जो भी एक्टर या एक्ट्रेस है उसको क्या अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है दूसरों के सामने और अकेले में आइसोलेशन में मीन्स कि अकेले में काम नहीं कर सकता कोई और लोगों के सामने ही उनको काम करना पड़ता है ड्यू टू दिस रीज़न ओनली दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन देयर वर्क कैन बिकम इस्टेब्लिश एक्ट्रेस और एक्ट्रेस दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड डो नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन तो यहाँ पर हमने बताया कि जो अगर किसी ने सक्सेसफुल एक्ट्रेस वही बनते हैं जो अपने काम को लेकर बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और जो इंटरेस्टेड नहीं होते वो लॉन्ग रन में मीन्स कि ज़्यादा तक सर्वाइव नहीं कर पाते इंडस्ट्री में एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इज़ बींग अ प्रोफेशनल एक्टर और एक्ट्रेस आ गुड करियर तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि अगर कोई प्रोफेशनल एक्टर या एक्ट्रेस है क्या वो एक अच्छा करियर है या नहीं एंड द आंसर गोज़ लाइक दिस येस इट इज़ अ प्रोमिसिंग करियर बिकॉज इन द मॉडर्न एरा पीपल स्पेंड अ लॉट ऑन लेजर एक्टिविटीज़ तो यहाँ पर हमने बताया कि बिल्कुल जो एक्टिंग uh, का करियर है एक बहुत ही प्रामिसिंग है मीन्स की एक अच्छा करियर है क्योंकि आजकल के लोग हैं वो मॉडर्न एरिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लेजर एक्टिविटीज़ में भी ड्यू टू दिस रीज़न दोज हु आर इन शो बीज ऑन आर सब्सटेंशन अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर सर्विसेज तो यहाँ पर हमने बताया कि इसी कारण की वजह से जो इस एरिया में जहाँ इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो एक अच्छी अमाउंट भी कमा लेते हैं अपनी सर्विसेज के लिए मोर ओवर विद मनी वन कैन आन नेम एंड फेम कपल विद अदर इनॉर्मस बेनिफिट्स तो यहाँ पर हमने बताया कि इसके अलावा वो पैसे के अलावा क्या क्या वो नाम भी कमा सकता है फ़ेम भी कमा सकता है और उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी और ज़्यादा मिलते हैं एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ वाट कैन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एक्टिंग तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि बच्चे एक्टिंग से क्या सीख सकते हैं अ चाइल्ड हैज़ टू मस्ट टू लर्न फ्रॉम एक्टिंग तो यहाँ पर हमने बताया कि एक बच्चा एक चाइल्ड बहुत कुछ सीख सकता है एक्टिंग से फर्स्टली दोस्त चिल्ड्रन हुक्ट रिमूव देयर स्टेज फेयर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस तो यहाँ पर हमने बताया कि जो बच्चे स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं एक्टिंग करते हैं उनका क्या कि जो डर होता है स्टेज परफॉर्मेंस का या स्टेज का डर होता है वो निकल जाता है और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अपार्ट फ्रॉम दिस दे बिकम क्रिएटिव बिकॉज एज एन एक्टर वन नीड्स टू थिंक बियॉन्ड द कन्वेंशनल डोमेन तो हमने यहाँ बताया कि इसके अलावा क्या कि वो जो भी एक्टिंग करियर में जाता है बच्चे एक्टिंग करते हैं तो वो क्रिएटिव ही बन जाते हैं क्योंकि उनको कन्वेंशनल डोमेन से हट के सोचना पड़ता है सो मूविंग है टू द फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ वाई डू चिल्ड्रन लाइक स्पेशल कॉस्ट्यूम्स तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि बच्चों को स्पेशल ख़ास कॉस्ट्यूम्स क्यों अच्छे लगते हैं स्पेशल कॉस्ट्यूम्स अपील टू चिल्ड्रन बिकॉज दे इम्पावर देम टू फैंटासाइज अबाउट देयर एम्बिशंस तो यहाँ पर हमने बताया कि जो स्पेशल कॉस्ट्यूम इसलिए बच्चों को अपील ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो इंकरेज या एम्पावर करते हैं उनको कि जो उनके एम्बिशन है उसके बारे में वो अच्छे से सोचें मोर ओवर इन देयर माइंड्स दे क्रिएट सिचुएशन पाइवर्टिंग अराउंड दोज कॉस्ट्यूम्स विच स्ट्रेंथन देयर क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड्स दैम हैप्पीनेस तो यहाँ पर हमने बताया कि जो बच्चे होते हैं उनका माइंड के जो ये कॉस्ट्यूम्स होते हैं इसके अराउंड ही वो सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं रिवॉल्व होते रहते हैं पाइवर्टिंग का मतलब होता है रोटेट होती है विच क्या कि फिर वो यही चीज़ें होती हैं जो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो उसको स्ट्रेंथन करती है और मज़बूत करती है और उनको खुशी भी देती है सो मूविंग हैड टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वाट आर द डिफ्रेंस बिटवीन एक्टर्स और एक्ट्रेस हु ऑन मच एंड ऑन लिटल तो यहाँ पर हमने डिफरेंस बताना है कि जो एक्टर बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह कमाते हैं एंड दूसरी साइड जो बहुत कम कमाते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है द मेन स्ट्रीम एक्टर्स अर्न मोर बिकॉज ऑफ टू रीजन्स तो यहाँ पर हमने लगता कि जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स होते हैं वो दो वजह से ज़्यादा पैसा कमाते हैं द फर्स्ट वन इज़ नेपोटिज्म तो यहाँ पर हमने लोग कि जो पहला रीज़न वो क्या है नेपोटिज्म इफ दे हैव अ नियर और डियर वन इन द इंडस्ट्री देन इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू फाइंड वर्क तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर उनका कोई जान पहचान वाला जा जो नियर एंड डियर इंडस्ट्री में है तो उनके लिए ईजी हो जाता है कि वो काम ढूंढ पाए द अदर रीज़न इज़ देयर स्टेलर परफॉर्मेंसेज तो हमने यहाँ पर बताया कि जो दूसरा रीज़न क्या है उनकी स्टेलर परफॉर्मेंसेज स्टेलर होता है कि शानदार परफॉर्मेंस दोज एक्टर्स हु लीव अ गुड मार्क ऑन द ऑडियंस ऑन मोर देन दोज हु फेल टू इम्प्रेस द ऑडियंस हैंस योर अर्निंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परफॉर्मेंस तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एक्टर्स ऑडियंस पे अच्छा मार्क्स छोड़ते हैं या उनके साथ कनेक्ट अच्छा कर पाते हैं तो वो अच्छा पैसा कमाते हैं और जो फेल हो जाते हैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में या उन पर इंप्रेशन छोड़ने में वो कम पैसा कमाते हैं सो so, सिंपली जो अर्निंग्स है आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है सो दैट्स इट गाइस ये था हमारा सैम्पल आंसर और, और फॉलोअप्स एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस टिल देन टेक केयर गुड लक फॉर द प्रिपरेशन एंड थैंक यू गाइस